हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप? होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, ये है विसर्जन के नेक्स्ट डे का व्लॉग जो कि मैंने थोड़ा सा शूट करा था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी, रात को इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि जिसने जहाँ सामान रख दिया ना, बस वहीं रखा रहा। तो जी, बस रात को भी मैंने ना फटाफट साड़ी चेंज करके ना मैंने अपने नाइट ड्रेस पहनकर रात को भी पूरे घर की सफाई कर दी थी। तो बस जो सामान जहाँ पड़ा था वो अभी पड़ा ही है। देखो, बच्चों ने जहाँ मन करा वहीं उतार दिया। तो जहाँ जगह मिलती है ना वहीं उतार देते हैं, आपको पता ही है ना। तो बस जो सारे कपड़े हैं ना, मैं उनको अलग अलग रख दूँगी। जो अभी धोने मशीन में, वो मैंने साइड में रख दिए हैं, और बेड पे रख दिए हैं साड़ी वगैरह जो मुझे अभी नहीं धोनी है। हाथ से धोऊँगी मैं उनको ना, भिगो कर रख दूँगी। लेकिन आज देखती हूँ मैं, अपने यहाँ पर ना मैं आज आपके साथ 3-4 दिन के व्लॉग शेयर कर रही हूँ, और थोड़े थोड़े मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है आपके, और मतलब आप मेरा व्लॉग अच्छे से नहीं देखते हो ना, तो प्लीज़ पूरा व्लॉग देखा कीजिए, इतनी मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज़। एंड लाइक एंड कमेंट करना भी भूला ना करें। तो जी, वो वाला रूम को मैंने क्लीन कर दिया। यहाँ पे ढोलक रखी है, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ढोलक रखी है ना, यहाँ पे टेबल रखी है बाहर वाली, क्योंकि रूम्स को अरेंज करना था ना इसीलिए। तो देखो, अभी रूम के कपड़े तो वहाँ रखे थे, ये मशीन वाले कपड़े निकाले हैं मैंने। तो जी, मशीन लगा दी है मैंने, और जो हाथ से धोने उनको मैंने अलग रख दिया है। यहाँ पे दाल चावल बन रहे हैं खाना, क्योंकि इतने मैं खाना बनाऊंगी ना और बाकी काम भी हो जाएगा। तो बस सफाई चल रही है, बीच बीच में किचन को भी अरेंज करना है। किचन बिल्कुल फैली हुई थी, अभी भी सारा घर मैसी हुआ हुआ है। कितना ही साफ़ कर लो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सफाई में, क्योंकि जब सब लोग आ जाते हैं ना घर में तो इतना टाइम नहीं लगता। मैं करती तो थी रोज़ सफाई, लेकिन डीपली क्लीनिंग नहीं कर पाती थी। जो भी 3-4 दिन लगे मुझे पूरा घर समेटने में, घर को साफ़ करने में, कपड़े समेटने में। तो ये जो ऑयल था ना, ये पूरियों का ऑयल, ये सब एक ही बार यूज़ करा था ना, काफ़ी बार यूज़ कर चुके थे, तो मैंने इसको ना कंटेनर में भर के रख दिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये वाला ऑयल यूज़ हो रहा था। और बर्तन देखो आप, सिंक से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं उनके साथ भी लगी हुई हूँ, क्योंकि रियांश अभी वेयर नहीं कर पाता है कपड़े वगैरह, तो इसीलिए। और जी, आपके साथ मुझे एक अपनी खुशी सेलिब्रेट करनी थी। तो जी, 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। बट मेरे ना व्लॉग्स कम देखते हैं, कम देखना पसंद करते हैं। 1K के बाद भी ना सिर्फ व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो शायद मेरे व्लॉग्स में ही कमी होगी। देखेंगे, सुधार करेंगे अपने व्लॉग्स का। तो जी, बर्तन साफ़ हो गए हैं, और ये बर्तन साफ़ करने तक का व्लॉग ही मैंने शूट करा था, क्योंकि उसके बाद कपड़े धो के जो मेरी हालत ख़राब हुई थी ना, 3-4 बार मशीन लगाई मैंने, तब जाके मेरे कपड़े धुले थे। जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। फिर से मैं आ गई हूँ रूम क्लीनिंग के लिए, क्योंकि डीपली क्लीनिंग कर रही थी मैं काफ़ी दिनों से, और 3-4 दिन लगे। तो जी हाँ, 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे हम जल्दी ही। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। तो 1000 फैमिली, यूट्यूब फैमिली बन चुकी है हमारी 1000 की। तो जी, ये कल मैंने जो कपड़े थे ना, ये मैंने रख दिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैंने हाथ से धोने थे। तो ये मेरा पीलिया था, इसको ओढ़नी भी बोलते हैं, और ये सब भिगो के मैं रख दूँगी अभी, ताकि ये ना सोख करके रखना है मेन ना, इनमें कोई गंदा तो होता नहीं है। तो मैंने इनको सोख करके रख दिया है। जब ये थोड़ा, मैं बाथरूम जाऊंगी ना नहाने, फ्रेश होने, जब भी मैं इनको धोकर रख दूंगी। तो जी, चलते हैं सफाई की ओर, और सफाई आज मैं बहुत ज़्यादा डीपली वाली करने वाली हूँ। कल भी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि मैं आपको बता ही रही थी कल कपड़े धोते धोते पूरा दिन निकल गया था। अभी तो सूख ही रहे हैं, आज उनको ज़रा उतार के लाऊंगी। और ये वाला रूम फिर से आ चुकी हूँ मैं, आज सोफे के कपड़े भी चाह ही देते हैं, क्योंकि कल तो मतलब एक तो नींद बहुत आ रही थी और थकावट बहुत हो रही थी, तो कल का दिन इतना मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। अब दोबारा से इस वाले रूम में आ गई हूँ, तो चादर वगैरह झाड़ के बिछा दिया है। इस रूम को भी हम क्लीन कर देंगे। मैं आपके साथ अपने सारे डेली रूटीन्स शेयर करती हूँ, और आपके साथ टिप्स भी शेयर करती रहती हूँ। तो लाइक एंड कमेंट करना ज़रूर, एंड वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। अपना प्यार बहुत ज़्यादा दीजिए, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना प्यार बनाए रखना व्लॉग्स में। तो जी, गैलरी तक ना मैंने सफाई कर दी है, और यहीं पर मैं जो
डस्ट कूड़ा वगैरह है ना वो यहीं पे उठा दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना फिर मैं ड्राइंग रूम तक लेकर आती हूँ बड़ा टाइम लग जाता है, तो वहाँ तक मैं झाड़ू पोछा ऐसे ही करती हूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है सफाई में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले उस वाले रूम का कर लो तो ठीक है। तो जी आज काफ़ी दिनों बाद मैं सोफ़े के कपड़े भी बिछा रही हूँ, क्योंकि सोफ़ा भी काफ़ी गंदा हो गया है और लाइट कलर का वैसा ही है, तो थोड़ा गंदा और ना हो, जबकि जब देखा जाएगा जब इसकी क्लीनिंग कराएंगे, बाकी हमें गंदा होने से बचाना है, क्योंकि सारा दिन बच्चे ड्राइंग रूम में ही, टीवी है तो बच्चे यहीं बैठे रहते हैं। तो जी गणपति जी तो अभी चले गए हैं, अब गणपति जी अब आएंगे अगले साल, तो अगले साल तक हमें वेट करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मुझे अपने गन्नू की, और इसीलिए मैंने थोड़े से भजन चला लिए गणपति जी के, और मन मेरा थोड़ा लगा रहा। तो जी आज सोफ़े को मैं उसी पोजीशन में रख दूँगी जिस पोजीशन में ये हमेशा से रहता था, क्योंकि घर में जब सब आते थे ना तो मैंने साइड में कर दिया था सोफ़ा वगैरह, क्योंकि मैनेज करनी पड़ती है ना स्पेस को, कि सोफ़ा ज़्यादा जगह घेर लेता है। तो यहाँ पर आज मैं सोफ़े के नीचे से कोने कोने से मैंने सारे सफाई वगैरह करी थी और डीपली क्लीनिंग कर दी थी, और जब ना मैं ऐसे करती हूँ तो मुझे घर बहुत साफ़ लगता है। आप देखो कि ये सामान भी मैंने नहीं रखा, क्योंकि कल मेरी हालत ही ख़राब हो गई, कपड़े ही कपड़े, इतने कपड़े कि मैं धोते धोते परेशान हो गई थी। 3-4 दिन से तो कपड़े धोए ही नहीं थे, स्कूल की ड्रेस ही धो रही थी वो भी हाथ से ही धो देती थी। तो ये LED वॉल मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और यहाँ पे भजन चल ही रहे हैं गणपति जी के, और अभी विसर्जन रहता है कई लोगों का, क्योंकि हमने तो 7 दिन के ही विसर्जन कर दिए थे गणपति जी का, वैसे 11 दिन तक होते हैं। तो ये सामान था जो मैं छत पे, हमारा ना शोरूम है तो मैं वहाँ पर रख कर आ गई हूँ ये सब सामान, और अब मैं बाहर से भी अपने बरामदे से भी सफाई कर लूँगी, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आज तो मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे सफाई करने में, जीने से ऊपर वाले जीने पे तो हर जगह सफाई करने में बहुत टाइम लगा था। और आज मैंने बैठ के पोछा लगाया ना, तो बहुत ज़्यादा जब मैं पोछा लगा देती हूँ ना बैठ के, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने और अच्छे से सफाई करी है। वैसे हफ्ते में मैं दो या 3 दिन बैठ के पोछा लगाती हूँ, इससे क्या है ना एक्सरसाइज भी हो जाती है, और जब तक लग रहा है देखो जब तक लगा सकते हैं, बाकी जब नहीं देगा शरीर साथ तो जब देखा जाएगा। वैसे वाइपर से भी लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना वाइपर से भी ठीक लगता है, क्योंकि स्पेस है मेरे घर में ना इतना, तो आप साफ़ सुथरा चमका चमका घर देख लीजिए आज। एंड अभी क्योंकि बच्चे आ जाएंगे ना इसके बाद, तो मैं आपको दिखा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि बच्चों के बाद तो आपको पता ही है रूम हो जाते हैं मैसी, क्योंकि बच्चों ने क्या करना है, बच्चों ने इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, तो ये बच्चों का स्टडी रूम विद गेस्ट रूम भी बोल सकते हो, हमारा बीच वाला रूम है ये, और बहुत क्लीन रहता है, और ये हमारा मेनली रूम है ड्राॅइंग रूम। तो जी एक दिन मैं आपको पूरा अपना नीचे से होम टूर कराऊंगी, जहाँ हम 3 फैमिली रहते हैं, मेरे हस्बैंड मिलाकर 3 ब्रदर हैं, तो वो सब हम एक ही फैमिली में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो दिखाऊंगी किसी दिन अपना होम टूर करूंगी, किस किस को मेरा होम टूर चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके जब बताइए, और आपको किस तरीके के व्लॉग्स चाहिए, क्या क्या आपको व्लॉग्स में देखना पसंद है मुझे बताइए। तो जी क्लीनिंग के बाद यहाँ पे मैं पराठियाँ कह रही हूँ, परौंठियाँ बना के रख रही हूँ, सब्जी वगैरह रखी है तो परौंठियाँ मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे आते हैं ना तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ चलो मैं थोड़ा टाइम वो हो जाता है, मैं फटाफट पहले ही बना के रख देती हूँ, ताकि बच्चे आए ना उनके साथ भी थोड़ा सा देखना पड़ता है उनके स्कूल में क्या हुआ आज, उनकी स्टडी में क्या हुआ आजकल, वैसे भी अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी ये किचन मेरी बिल्कुल समेटने में नहीं आ रही थी, तो जी अभी मैंने बड़ी वाली जो मेरी ट्रे है ना वो मैं ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रे का मेरे को ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने उनको कैबिनेट में रख दिया है। और बड़े वाले भिगोने, बड़े वाले बर्तन, ये सब भी मैंने ऊपर रख दिया है, 2-3 जग है तो उनकी ज़रूरत नहीं होती है, जब हाँ कोई आ जाता है घर में तो ज़रूरत होती है। तो जी फिर लिए डीपली क्लीन किचन को, तो आप कितना ही साफ़ कर लो उतना ही कम है। तो जी बस यहाँ पे बॉटल फिल करके फ्रिज में रख दूँगी, बॉटलें तो बच्चे आपको पता ही है ना, जहाँ पीन के रख दी बस वहीं रख दी, बच्चों को कितना कहें, अभी
कराएंगे, बच्चों से भी काम कराएंगे, क्योंकि मैं सोचती हूँ चलो यार बच्चों से रहने दो, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, वही बहुत है। तो ये जोत वगैरह का दो तीन दिन से रखी हुई है, दो दिन से रखी हुई थी, तो बस वो भी मैंने उठा के साफ़ वगैरह करके रख दिया है, क्योंकि जो मेरी जोतें हैं ना बड़ी वाली हैं काफ़ी बड़ी, वो मैं जब भी यूज़ करती हूँ जब नवरात्रों में या दिवाली पे या गणपति जी इन्हीं त्योहारों पे यूज़ करती हूँ। तो जी बस अब एक घूंट पानी पीने की फुर्सत मिली है, तो अब दोबारा मैंने जो कपड़े नहाई थी ना, नहाते मैंने अपनी साड़ी वगैरह धो दी थी, तो वो देखो धो दी है मैंने। और ये आप कपड़े देखना, अभी ये मैंने जो कल धोए थे ना, हाँ कल धोए थे, तो ये मैंने सुखा रखे थे, तो इनको उतार लिया है मैंने सभी कपड़ों को। और इतने कपड़े हो गए थे ना, अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी, और इनको मैं आज आयन भी करके रखूंगी प्रेस। तो ये पीलिया होता है, इसको ना बेसिकली ओढ़नी भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे में ना जब लड़का होता है ना तो तब देते हैं इसको, पीलिया बोलते हैं मतलब हमारे में। तो जी ये बेडशीट थी, और अभी तो तीन चार बेडशीट वो वाली भी रखी हुई है जो सब लोग आते थे ना, जो मैं ड्राइंग रूम में बिछाती थी, वो गंदी तो नहीं हुई है, बट मैं सोच रही थी कि उसको भी वॉश करके रखूँगी। तो ये है मेरे कपड़े जो मैं लेके जा चुकी हूँ अंदर। तो जी ये वाला व्लॉग, अब मैंने डेकोरेशन भी नहीं हटाई थी, और डेकोरेशन भी मैंने तीन चार दिन बाद हटाई है, जब लास्ट डे था ना विसर्जन का उस दिन, तो ये डेकोरेशन मैंने हटा दिया। और सभी के कमेंट आ रहे थे कि डेकोरेशन की वीडियो दिखाई है, तो जी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ अभी, एक शायद कल मैं अपलोड कर दूँ। तो हमने ना इस वाले जो फूल में एक टूथपिक लगाई थी पीछे इस तरीके से, ताकि जो फॉर्म में ना जो टूथपिक है वो अच्छे से प्रेस हो जाए अंदर की तरफ, और जो हमारा डेकोरेशन है वो इसी तरीके का था। तो मैं शॉर्ट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सारा सामान मैंने, हाँ मैंने और पीयू के पापा ने उतार के रख दिया है। अब हम इसको ना अलग अलग पॉलीथीन में रखेंगे, और जिससे कि हमें ना याद रहे कौन सा सामान कहाँ रखा है। और ये जो लड़ी थी ना लाइटिंग, उसको मैं एक, क्योंकि क्या है ना अगर हम अपना जो सामान है वो अच्छे से नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सब सामान ना एक साथ जुड़े हुए थे, माला वगैरह, बड़ी मुश्किल से हमने डेकोरेशन करी थी, उतारने में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बट क्या करें उतारना तो था ही। तो ये सारा सामान मैंने पैक करके अच्छे से एक बॉक्स में रख दिया है, दो तीन बॉक्स बने हैं, और डेकोरेशन हट गई। अब देखेंगे अगले साल क्या डेकोरेशन होगी। बाय द वे अब आने वाले हैं नवरात्रे और श्राद्ध, पहले श्राद्ध आएंगे, श्राद्ध के 10 दिन बाद ही शुरू हो जाएंगे नवरात्रे। ऐसी मतलब छड़ी सी लग जाती है मैं त्योहारों की ना, क्योंकि देखो अभी गणपति जी के 10 दिन थे, फिर श्राद्ध के 10 दिन, नवरात्रों के 10 दिन, उसके बाद होली, करवा चौथ और दिवाली, तो बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, यहाँ से त्यौहार शुरू हो गए हैं। तो जी सफाई करके ये वाला व्लॉग, कपड़े उस दिन मैंने उतार के रख दिए थे, तय नहीं करे थे, तो जी आज मैं इनको बस आयरनिंग करूँगी, प्रेस करूँगी। और बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो रही थी, तो मैंने अपना काम ऐसा नहीं है, देखो अपने आप को ही करना है तो अपनी तबीयत ज़्यादा क्या ख़राब करनी। जब मुझे टाइम लगा तो मैंने धीरे धीरे तीन चार दिन में ये सब काम निपटा दिए हैं। तो यहाँ पे भी हूर्यांश को मैं पढ़ा भी रही हूँ, और कपड़े भी अपने जो प्रेस के हैं वो मैं साइड में रख रही हूँ, और बाकी मैं तय कर कर साइड में रख दूँगी, ताकि जो मैं प्रेस करूँ तो मुझे बार बार ना देखना ना पड़े कि कौन से प्रेस के कपड़े हैं और कौन से नहीं। तो जी मैं हमेशा ना अपने जो थोड़ी बहुत प्रेस करके रख देती हूँ, क्या होता है ना सलवटे नहीं रहती है ज़्यादातर कपड़ों में, इससे क्रीज़ भी बनी रहती है। और वैसे तो देखो साड़ी मैं हमेशा बाजार से ही प्रेस कराती हूँ, बट थोड़ा थोड़ा मैं प्रेस करके रख दूँगी सारे ही कपड़े। तो जी तीन चार दिन तो मैं बड़ी परेशान रही, कहाँ सारा घर समेटा, बहुत ज़्यादा मतलब रही मैं परेशान, क्योंकि अकेले करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं सारा काम कर लेती हूँ, चाहे मैं धीरे धीरे करूँ, मैं जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में करती हूँ, क्योंकि व्लॉग भी बनाना है, एडिटिंग भी करनी है। दो तीन दिन तो मैं व्लॉग एडिटिंग में ही लगी रही, क्योंकि विसर्जन का व्लॉग था, फिर उससे पहले दो तीन व्लॉग और थे। तो जी साड़ी ना मैंने थोड़ी कम ही प्रेस करके रखी है, डीपली वाली नहीं करी है, थोड़ी सी वैसे ही कर दी, क्योंकि जब भी मेरे को ये साड़ी दोबारा पहननी होगी ना तो मैं इसको बाजार से ही प्रेस कराती हूँ स्टीम प्रेस, क्योंकि अच्छे से प्रेस होना भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जी यहाँ पे बस बच्चों के कपड़े में प्रेस करके रख दूँगी। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और
बस ढेर सारा प्यार दीजिए अपनी मेरी वीडियोस को। और पता है 2-3 दिन से इतनी गर्मी थी ना, मेरा परसों तो बीपी लो हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। तो जी ये जो सूट था ना अनारकली वाला, इसको ना मैंने थोड़ा सा ना पानी की छींटे मार के साइड में रख दिया है ताकि जब मैं इस पर प्रेस करूँ तो इसमें स्टीम प्रेस अच्छे से हो जाए। तो ऐसे मैं प्रेस करती हूँ ना, कोई भी अगर आपको भी कोई कॉटन का सूट है या कोई ऐसा कपड़ा है जिस पे प्रेस नहीं लगती है और बार बार हमें लगता है हमें प्रेस करनी है और अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप थोड़ी से पानी की छींटे मार के ना उसको थोड़ी देर रख दीजिए, जैसे हल्का गीला मान लीजिए आप, ऐसे करके रख देंगे ना तो अच्छे से प्रेस हो जाता है। मैं अभी दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ पर मेरे रोज़मर्रा के कपड़े हैं जिनको मैं प्रेस करके रख रही हूँ, मेरे पीयू के पापा के, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये काम भी हो गया तो और मुझे 2 घंटे लगे थे प्रेस करने में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कितने कपड़े हैं। एंड बस जी अब मैं आपकी डेली व्लॉग्स शेयर करा करूँगी। एंड हम 1K जो मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं ना, उसका सेलिब्रेशन भी हम जल्दी ही करेंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे प्रेस करते करते मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने 3-4 बार तो मतलब 3-4 लीटर मैं पानी पी चुकी थी, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अगस्त की गर्मी ना अब सितंबर में आ गई है, पता नहीं और मौसम कब अच्छा होगा। दिल्ली में तो बहुत गर्मी थी विसर्जन के 4 दिन तक, तो जी मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। आप लोग कमेंट करके बताना कि गर्मी में तो ऐसे किसी से बर्दाश्त ही नहीं होती। तो यहाँ पे ये वाला जो सूट था ना, कि मैंने बहुत अच्छे से प्रेस करके रख दिया, बाकी जब भी मैं इसको वेयर करूँगी ना तब भी मैं इस पर प्रेस करती हूँ, बट मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा ठीक रहता है आप प्रेस करके रखोगे तो नेक, जब भी आपको प्रेस करना होगा ना, ये वेयर करना होगा, सूट पहनना होगा, तो आपको कम प्रेस करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा लेकिन थोड़ा कम। तो यहाँ पे पीयू के पापा के कुर्ते वगैरह ये सब प्रेस करके रख दिए थे। तो जी आपको मैं क्या बताने वाली थी, हाँ मैं आप ये को बता रही थी कि आपके साथ मुझे व्लॉग शेयर करना काफ़ी अच्छा लगता है, और जो मेरे बहुत अच्छे काफ़ी सब्सक्राइबर है आज मैं उनका नाम लेती हूँ, जैसे कि शिखा है मेरी फ्रेंड, वो भी बहुत अच्छे से मेरा व्लॉग ज़रूर पूरा देखती है। और शिखा ने तो गणपति विसर्जन पे जो शंख बजा रहे थे ना, शंख बजा रही थी, उसका नाम शिखा है और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको मैं किसी दिन व्लॉग्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसको इतना अच्छा शंख बजाना आता है ना, काफ़ी अच्छा, मुझे तो नहीं आता है लेकिन उसको बहुत अच्छा आता है, वो मुझे हमेशा कमेंट करती है। और बाकी मेरी सारी फ्रेंड्स जो मुझे कमेंट करते हैं उनके नाम मैं लूँगी किसी दिन, जो मुझे अब फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट करा करेगा ना, मैं सबके नाम अपने व्लॉग्स में लिया करूँगी। तो जी यहाँ पर मेरे पैर दर्द हो गए थे प्रेस करते करते, क्योंकि एक ही पोजीशन में मैं काफ़ी देर से बैठी रही थी ना, तो मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो गया था। इसके बाद मैंने प्रेस के कपड़े, आप देख ही सकते हैं इतने सारे प्रेस के, अगर बाज़ार में देते ना तो 500 रुपये लगते और बात वो भी नहीं है, अगर मैं कोई काम ना कर रही होती हूँ तो मैं बाज़ार में भी दे देती हूँ। तो जी ये है सैटरडे का दिन, और सैटरडे को काफ़ी बारिश आई थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो मैं इस 4-5 दिन के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको संडे के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और बारिश होके थोड़ी राहत मिली थी मुझे, एंड मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया था, और बारिश के बाद वही किचकिच हो जाती है, फिर सारे घर के फिर से सफाई करी बरांडे वगैरह की और मौसम बड़ा ऑसम हो गया था। चलिए अब पीयू के पापा आ गए हैं और काफ़ी भीग गए थे, फ़ोन वगैरह भी गीला हो गया था। चलिए इस वाले व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ।